చేతలేమి సీసినవి కలిగిన ఛాయలకు నవ్వితేనే చవి పుట్టును చేయరాని చేతలేమి సీసినవి కలిగిన ఛాయలకు నవ్వితేనే చవి పుట్టును పాయక చంద్ర కళలు ఏ పాటి వేడి చూపినాను పాయక చంద్ర కళలు ఏ పాటి వేడి చూపినాను చేయార కొడితేనేమి చేయవు విరహులా శ్రీ పద్మావత్యే నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం శ్రీ వైష్ణవ్యై నమః ఆజ్ యహాం పర్ బ్రహ్మోత్సవ్ హో రహా హై ఆజ్ భగవతి పద్మావతి జగన్మాత విశ్వకారణి సృష్టికారణి మా జగదంబా గరుడ్ వాహన్ పర్ విరాజమాన్ హై ఆప్ దూర్ దూర్ సే జహాం సే భక్త్ ఆయే హై దర్శన్ కర్ రహే హై బహుత్ ఆనంద్ కా సమయ్ హై इस समय में भगवती का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। भगवती जगदम्बा पद्मावती महालक्ष्मी मुक्तिदायिनी भुक्तिदायिनी है। देखिए नृत्य से गान से भगवती का ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज यह कार्तिक महोत्सव है, कार्तिक ब्रह्मोत्सव है। इस ब्रह्मोत्सव में भगवती गरुड़ वाहन पर विराजमान है, साक्षात वैकुंठ वासिनी है, वैकुंठ से आई है, विष्णु प्रिया है, विष्णु के वक्षस्थल पर वास करने वाली है, पद्मावती है, महालक्ष्मी है, महान यहाँ पर नृत्य हो रहा है। दूर दूर से भक्त लोग आए हैं, बालाएं नृत्य कर रही भगवती को नृत्य गान वादी इत्यादि बहुत ही आनंददायक है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त बालाएं नृत्य कर रही है। देखिए गरुड़ वाहन पर विराजमान भगवती है, गरुड़ वाहन पर पद्मावती, वैष्णवी विष्णुप्रिया विष्णु वक्षस्थल वासिनी पद्मावती आज गरुड़ पर बैठी है, विराजमान है, भक्तों के बीच में विचरण कर रही है, प्रसन्न मुख से देख रही है भगवती सभी को। ये जगदम्बा है, करुणा वरुणालया है, अत्यंत ही दया की मूर्ति है। देखिए भगवती देख रही हैं, अब जहाँ पर है वहाँ से भगवती की प्रार्थना करिए। भगवती का अनेक नाम है, अनेक नामों से भगवती का स्मरण करिए। भगवती के दर्शन से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे अशुभ दूर हो जाते हैं, शुभ होने लगते हैं, मंगल के लक्षण दिखने लगते हैं। देखिए भगवती का दर्शन करिए। अब देखिए गजवाहन यहाँ पर विराजमान है, नाना रत्नों से विभूषित है, यहाँ पर भगवती विचरण कर रही है। आप जहाँ कहीं पर है भगवती का नाम लेकर के भगवती को प्रणामांजलि दीजिए। ओम प्रकृत्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूत हितप्रदायै नमः, ओम श्रद्धायै नमः, ओम परमात्मकायै नमः, ओम पद्मालयायै नमः, ओम पद्मायै नमः, ओम हरिवल्लभायै नमः।
ओम अशोकाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम दीप्ताय नमः, ओम लोक शोक विनाशिन्यै नमः, ओम धर्ममूल्याय नमः, ओम करुणाय नमः, ओम पद्मप्रियाय नमः, ओम पद्महस्ताय नमः, ओम पद्माक्षे नमः, ओम पद्मोद्भवाय नमः, ओम रमाय नमः, ओम पद्मालाधराय नमः, ओम दिव्यै नमः, ओम पुष्पगंधाय नमः, ओम सुप्रसन्नाय नमः, ओम चंद्ररूपाय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम विश्वजनन्यै नमः, ओम वसुंधराय नमः, ओम हरिण्यै नमः। इस तरह अनेक नामों से भगवती का स्मरण करिए, भगवती को प्रणामांजलि दीजिए। यह अत्यंत ही पुण्य का समय है, पुण्य की वर्षा हो रही है और यहाँ पर भक्ति गंगा बह रही है। भक्ति गंगा का उद्भव ही तमिल देश में हुआ है, तमिल आचार्यों ने किया है। देखिए यहाँ नृत्य हो रहा है और देखिए दूर दूर से बालाएँ आई है और नृत्य कर रही हैं, और भगवती के स्मरण करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं जो भगवती का स्मरण करता है उसे दुख दारिद्र कभी नहीं होता है। नाराधितायेन इयं सनातिनी दुखार्तिहा सिद्ध करी जगद्वरा दुखावृता सत्रयुतश्च भूतले नूनं दरिद्रो भवति हमानवा। कहते जिसने भगवती का स्मरण नहीं किया और ये भगवती जो है सिद्ध करी है, जगद्वरा है, दुख को नाश करने वाली है, वो भी व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति दुखावृता है, दुख में संकट में पड़ा हुआ रहता है, शत्रुयुतश्च शत्रुओं से युत होता है, नूनम दरिद्रो भवती दरिद्र होता है। भगवती के स्मरण करने से लक्ष्मी जी है, महालक्ष्मी जी है, इनके कृपा कटाक्ष से दारिद्र भाग जाता है। मंगल की वर्षाएं होती है, शुभ की वर्षाएं होती है, मंगल काम होने लगते हैं, अभ्युदय होने लगते हैं। जैसे सूर्योदय से सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश आ जाता है भगवती के दर्शन करने से। दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से सारे पाप भाग जाते हैं, शुभ आने लगते हैं, मंगल होने लगते हैं। इस समय में भगवती का दर्शन करिए। देखिए वरुण भगवती साक्षात जगत कारणी है, विश्व कारणी है, विश्व सृष्टि कारणी है, विश्व पालनी है, महालक्ष्मी है, कमला है, पद्म प्रिया है, विष्णु प्रिया है और साक्षात विराजमान है। आज त्रिचानुर में भगवती का ब्रह्मोत्सव हो रहा है। याम विष्णु रुद्रो हरि पद्मजो तथा बन्ही कुमारो वरुणो दिवाकरा ध्यायन्त सर्वार्थ समाधिम। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। अभी अभी आपने जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी नामक एक संकीर्तन सुना है। इसके प्रणेता हैं ताल्पाक अन्नमाचार्य जी। आप तिरुमलय में हो या तिरुचानूर के ब्रह्मोत्सव में हो, आप केवल अन्नमाचार्य के संकीर्तन ही सुनते रहते हैं। इस गीत का मैं सारांश बताती हूँ। हे लक्ष्मी मैया, तुम जयलक्ष्मी हो, युद्ध भूमि या संग्राम में उतरती हो तो वीर लक्ष्मी बन जाती हो। तिरुचानूर में तुम वीर लक्ष्मी बनकर सभी भक्तों का उद्धार कर रही हो। तुम्हारे हृदय में वीर तत्व के साथ साथ प्रेम तत्व भी है, इसीलिए हरि के वक्षस्थल पर बैठकर उनकी प्रिया बन जाती हो। तुम्हारे बारे में क्या ही कहें, तुम तो क्षीर सागर में मलाई के समान हो, मलाई ही हो, कमल के फूल की सुगंध हो तुम। नीलवर्णी श्री महाविष्णु के हृदय को सदन बनाकर बसने वाली धर्म पत्नी हो, पटरानी हो। आप पूरे विश्व की सम्राज्ञी हो, हे मैया मेरा उद्धार भी करो। आप तो चंद्रमा की भगनी हो, संपदा की अधिष्ठात्री देवी हो, इस प्रसु के प्राणी कोटि में स्थित पंच ब्रह्मों को तृप्त करने वाली कल्पतरु हो। तुम श्रीनिवास के साथ निरंतर रहती हो, हे मैया हमारा भी जरा साथ दो। षोडश कलाओं से युक्त तुम सुवर्ण मूर्ति हो, तुम वेदों का समग्र रूप हो, हे मैया तुम श्रीनिवास की पटरानी हो, प्रिया हो,
भक्तों पर संपदा की वृष्टि करने वाली स्वर्ण खान हो। हम दीन आरतियों पर भी जरा कृपा करो माता, तेरा शत शत वंदन है मैया। देखिए आलय मर्यादा के तौर पर यहाँ करियों को आप देख सकते हैं, बड़े बड़े गज वाहन के आगे निकल रही हैं, ये भी सुशोभित दिखाई दे रही हैं। अर्चक स्वामी कभी कभी समय समय पर जगह जगह पर वाहन को रोककर नैवेद्य चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं और समस्त भक्त गणों को मैया का दर्शन कराते हैं। वाहन संप्रदाय में अन्नमाचार्य जी ने, कवि ने एक बहुत अच्छा संकीर्तन की रचना की है, उसका भी मैं सारांश बताती हूँ। अलमेल मंगा जब शोभा यात्रा के लिए वाहन पर निकलती है, तब तालपाक अन्नमाया वाहन धारकों से प्रार्थना करता है कि हे कामनिया, जरा मंद मंद चलो, अगर आप तेज चलेंगी तो मैया के केशों में लगे फूल झड़ जाएंगे, तेज चलेंगी तो आप मैया के कोमल शरीर दर्द का शिकार हो जाएगा, मोतियों के हार समस्त आभूषण तितर बितर जाएंगे, मैया के मृदु चरणों में लगी मेखलाएं जोर से बजेंगे, मैया को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, हे सुकुमारियाँ, अगर आप डोली को ज़्यादा हिलाएंगी तो मृदु कोमल शरीर पर दाग पड़ जाएंगे, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलो, संभल के चलो। ऐसा अन्नमाचार्य ने अपने संकीर्तन में ऐसी बात कही है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु मायेति शब्दिता, देखिए श्री महाविष्णु की वक्षस्थल पटरानी यहाँ पर विराजमान होकर शोभा यात्रा में निकली हैं, समस्त जगत को अपना दर्शन प्रदान कर रही है। నవన సమూలది నళినాక్షి జవగట్టి నీకు జవిశేసి నీ నవన సమూలది నళినాక్షి శృంగార రసము చెలియముఖంబున సంగతి వీర రసము గోళ శృంగార రసము చెలియముఖంబున సంగతి వీర రసము గోళ రంగగు కరుణ రసము పెదవులను అంగపు కూచముల అద్భుత రసము మగరి గప మగ దరి సని దప మగ పదస మగ పద సరి గరి సని దరి దస సని
ఆలోచని నడుమున భయరసము చెల్లి హాస్యరసము సెలవుల నిండి పలుచని నడుమున భయరసము కలికి వాడి కన్నుల వివత్సరసము అలవమ జంకెనల అదే రౌద్రంబు కలికి సతిరతి మరపుల శాంతర సంబది అతి మోహము పదియవర సము సతిరతి మరపుల శాంతర సంబది అతి మోహము పదియవర సము కితవుగ శ్రీ వెంకటేశ కూడితివి సతమయీమెకు సంతోష రసము మగరి గద తప మగ తరిరి సని దప మగ పద సా మగ పద సరి గరి సని దపరి దస స సని ద దరిరి దస స పద ద గప ప మగ పద స నవర సమూలది నళినాక్షి జవగట్టి నీకు జవిసేసి నీ మాతర్ నమామి కమలే కమలాయ తాక్షి శ్రీ విష్ణు హృద్ కమలవాసిని విశ్వమాత క్షీరోధజే కమల కోమల గర్భగౌరీ లక్ష్మీ ప్రసీద సతతం నమతాం శరణ్యే. శ్రీ మహాలక్ష్మీ మయ్యా సర్వశక్తిశాలి మా హై, వహ మన్మత్ కీ జననీ హై, ఇసిలియే జగత్ జననీ కహలాతీ హై. जगत जननी माने श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक प्रेम तत्व को प्राण कोटि में जगाकर पद्मावती मैया लोक जननी की कीर्ति प्राप्त करती है. ऐसी मैया का जय हो. लक्ष्मा का अर्थ चिह्न होता है, संकेत होता है, और लक्ष्मी माने लाभ, प्रयोजन, संपदा, वृद्धि, योग और क्षेम है. श्रीमन नारायण के अव्याज दया गुण का संकेत श्री महालक्ष्मी हैं. सत्य रूपी, नित्य रूपी, शाश्वत रूपी, अच्युत के आनंद का चिह्न और प्रकाश श्री महालक्ष्मी हैं. जगत जननी लक्ष्मी देवी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल पर श्री वत्स चिह्न के रूप में भासमान रहकर श्री महाविष्णु के अद्भुत आश्चर्यकारक अमृत तुल्य अनंत में अप्रमेय दया गुण, क्षमा गुण, भक्त प्रियत्व के प्रतीक के रूप में अनपाई बनकर प्राणी कोटि से श्री महालक्ष्मी, श्री पद्मावती, अलमेलुमंगा आदि नामों से जगत जननी सुकीर्तित होती रहती है. अलमेलुमंगा का आविर्भाव कार्तिक महीने के शुक्ल पंचमी को शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र से युक्त अभिजिन्न में श्री महालक्ष्मी का सुवर्ण सहस्रदल कमल पीठ में हुआ था. इस पद्मावती को प्राप्त करने के लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने 12 वर्षों के लिए इस पद्म सरोवर में, यानी तिरुचानूर के पद्म सरोवर के पास कठोर तपस्या की थी. इसीलिए इस क्षेत्र को इतना महत्व मिला है. श्री लक्ष्मी बनकर वैकुंठ में वह दर्शन प्रदान करती है. महालक्ष्मी के रूप में कोल्हापुर में इस प्रसूप पर दर्शन देती है. पद्मावती के रूप में
वीर लक्ष्मी बनकर तिरुचानूर में दर्शन प्रदान करती रहती है और श्री विल्लीपुत्तूर में आंदाल के रूप में आलवार की बेटी बनकर श्री महाविष्णु की सन्निधि तक पहुंचती है। देखिए क्या ही मोहन स्वरूपा हैं भगवान श्रीनिवास की पटरानी श्री पद्मावती देवी। कटी और अभयहस्त के द्वारा सभी भक्त गणों को दर्शन प्रदान करते हुए समस्त जगत में अपना प्रज्वल प्रकाश प्रसारित कर रही हैं। व्यूह लक्ष्मी के रूप में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल में हर दिन दर्शन प्रदान करती रहती हैं और इसी रूप में सर्वभूत हित प्रदा बनकर भक्तों की रक्षा निरंतर करती रहती है। इस पद्मावती मैया का जय हो। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। देखिएगा क्या ही तकनीक है, ऐसा लग रहा है कि श्री महालक्ष्मी मैया साक्षात गरुड़ पर आरूढ़ा होकर पूर्वेथियों में भक्त जनों को दर्शन प्रदान कर रही हैं। एक बार दूर्वास महामुनि श्री महालक्ष्मी के पास गए थे। उन्हें देखकर महालक्ष्मी ने हेय भाव और व्यंग्य प्रकट किया था और महर्षि का परिहास किया। क्रोध में आकर उन्होंने लक्ष्मी को शाप दिया कि तुम जाकर समुद्र में गिर जाओ। पश्चाताप से जब श्री महालक्ष्मी ने महर्षि से प्रार्थना की तब महर्षि ने शाप का मोचन देते हुए कहा, समुद्र मंथन के समय तुम उद्भूत होगी और पुनः श्री महाविष्णु का वरण करोगी। मुनि के वचनानुसार समुद्र में गिरी श्री महालक्ष्मी, समुद्र कन्या चंद्र सहोदरी क्षीर सागर मंथन के समय उभरी थी और श्री महाविष्णु के साथ उनका विवाह हुआ था, परिणय हुआ था। वंदे लक्ष्मीं परमशिवईं सर्वभूतांतरस्थां तेजो रूपा कनक कनकवसनां सर्वभूषोज्वलांगीं बीजापूरं कनककलशं हेमपद्मं दधानां आद्यां शक्तिं सकलजननीं विष्णुवामाङ्कसंस्थां। देखिए क्या ही वर्चस्व है, क्या ही सौंदर्य है, क्या ही रूप है। सर्व समस्त जगत के सभी के अंतर्यामी बनकर माँ जगत जननी हर किसी के अंतस्थ में विराजमान रहती है। उनका ओज प्रकाश ही उनकी संपन्नता का संकेत दिलाता है। उनके पास किस चीज की कमी है, इसीलिए वह कनक वसन यानी सुवर्ण आभूषण सुवर्ण वस्त्र पहनी रहती हैं और वह अंग अंग में सुशोभित होकर प्रज्वलित होती रहती है। वह सहस्रदल सुवर्ण कमल के फूल पर सदा विराजमान रहती है। ओ श्री महालक्ष्मी आदिशक्ति स्वरूपिणी है और समस्त जगत की जननी है और वह श्री महाविष्णु की वामांका है। अन्नमय्या ने एक जगह अपने संकीर्तन में ऐसा कहा है, श्री महालक्ष्मी की स्मृति के आगे क्या ही आभूषण और उनकी क्या ही चमक जचती है किसी को, यानी उनके शरीर पर लगे सारे आभूषणों को श्री महालक्ष्मी की स्मृति से ही उनको प्रकाश मिला है, आभा मिली है। हे श्री महालक्ष्मी, हम जैसे आरतियों पर पामरों पर कृपा कटाक्ष बरसाओ। यहाँ जितने भक्तगण हम देख रहे हैं इनमें यक्ष किन्नर गंधर्व किम पुरुष आदि सभी उपस्थित हो ऐसा दिखाई देता है।
नाना प्रकार के आभूषण पहनकर, वस्त्र पहनकर, विचित्र वस्त्र धारण करके जो भी यहाँ अपनी कला को प्रदर्शित कर रही हैं, सेवाएं प्रस्तुत कर रही हैं, उनको देखकर हमें रास क्रीड़ा द्वापर युग की याद आ जाती है। यहाँ बजने वाले सारे बाजे, दुंदुभियाँ, मृदंग, ढोलक आदि हमें साक्षात स्वर्ग का आभास दिलाती हैं। देखिए गरुड़ वाहन पर आरूढ़ा होकर पद्मावती मैया दर्शन प्रदान कर रही है। दारिद्र दुखौषु तमोपहंत्री त्वात् पाद पद्मं मयि सन्निधस्त्वा दीनार्ति विच्छेदन हेतु भूतैः कृपा कटाक्षैरभिषिञ्चि मां श्रीः। तेरे चरण ही हमारे मोक्ष का धाम है, पद्म रूपी तुम्हारे चरण कमल ही हमारे लिए आश्रय है, तुम समस्त दरिद्रता को दूर करती हो। We
नारायण समाश्रिताय नमः, ओम दारिद्र ध्वंसिन्यै नमः। नमपन्नगनद्धाय वैकुंठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते गरुडं अखिलवेदनीडाधिरूढं द्विषत्पीडनोत्कंठिताकुंठ वैकुंठपीठीकृतस्कंधमीडे स्वनीडागति प्रीत रुद्रासुकीर्तिस्तनाभोग गाढोपगूढं स्फुरत्कंटकव्रात वेदव्यथावेपमान द्विजिह्वादि कापकल्प निष्पार्यमाण स्फटावाटिका रत्नरोचिका शटाराजि नीराजितं कांति कल्लोलिनी राजितं। जय गरुडा सुपर्ण दर्वी कराहार देवाधिपाहार हारिन् दिवौकतस्पति क्षिप्त दंभोली धारा किणाकल्प कल्पांत वातूल कल्पोदयानल्प वीरायितोद्यत वीरो चमत्कार दैत्यारि जैत्रध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन् मरुत्पंचकाधीश सत्यादिमूर्ते न कश्चित् नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः। गरुड़ जी भगवान के लिए अत्यंत प्रिय वाहन है। जैसा कि आप जानते हैं मात्र हरेक के लिए आवश्यक है। ये मात्र क्या है? माँ माता, माँ मातृभूमि, माँ मातृभाषा। व्यक्ति जितना भी बड़ा हो जाए, महान हो जाए, अगर इन तीनों का यदि वह आदर न करेगा तो उनको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। तो इसके लिए गरुड़ ही हमारे लिए उदाहरण है। उन्होंने अपनी माता विनता की दासता दूर कर दी है और अपनी माता को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ बहुत संघर्ष किया था और तीनों युगों में मतलब वे दर्शन देते हैं, कृतयुग में, त्रेतायुग में, द्वापर युग में भी। रामायण में जब लक्ष्मण इंद्रजीत के अस्त्रों से, नागास्त्रों से जब वे बंधे हुए थे तब उनको लक्ष्मण को गरुड़ जी ने ही उनको फिर स्वतंत्र किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसा कि तमिल में प्रिय शिरवड़ी कहते हैं और श्री चरण है वे प्रिय बड़ा श्री चरण कहते हैं। तो मतलब विष्णु आलयों में, वैष्णव मंदिरों में या तो गरुड़ जी रहते हैं या हनुमान जी, इन दोनों की मूर्तियां रहती हैं विराट मूर्ति के समक्ष। तो पहले जब हम मंदिर में जाते हैं तो याद रखिए पांच प्रा का आपको अनुगमन करना चाहिए। पांच प्रा के वैसे प्रपंच हैं ये प्रपंच, लेकिन हिंदी में प्रपंच मीन्स क्या है? धोखा है। लेकिन यहाँ प्रपंच का मतलब क्या है? जब मंदिर जाते हैं पहले प्रा प्रवेश है और वहाँ जूते उतारने के बाद पांव धोने के पश्चात आप परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा करने चाहिए। प्रवेश प्रदक्षिणा तदुपरांत प्रणाम। सबसे पहले आप विराट मूर्ति के समक्ष माथा झुकाना नहीं, हाथ जोड़ना नहीं, पहले उनके सामने जो मूर्ति है उनके जो सेवक हैं गरुड़ जी या हनुमान जी उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होने से यदि हम उनके द्वारा उनकी सिफारिश लेकर यदि हम भगवान के समक्ष खड़े हो जाएंगे तो वे हम पर कृपा करेंगे। तो प्रणाम में पहले गरुड़ जी, तत्पश्चात बाईं ओर या दाएं ओर देखिए वहाँ या तो गुरु जी रहते हैं आचार्य और इस तरफ माता जी रहती हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात जय विजय प्रहरी जो होते हैं वे दोनों होते हैं, उन दोनों के समक्ष हमें माथा प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात ही हमें भगवान की विराट मूर्ति के मूल मूर्ति के समक्ष हमें प्रणाम करना चाहिए और प्रवेश प्रदक्षिणा प्रस्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए।
कल कल नवुल तोड़ कली की चूपुल तोड़ अल बलमुल सेसी अलमेलु मंगा कल कल नवुल तोड़ कली की चूपुल तोड़ अल बलमुल सेसी अलमेलु मंगा अलमेलु मंगा अलमेलु मंगा अलमेलु मंगा अलमेलु मंगा చవులు సేయించి బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు పొద్దు హరికిని శనగా వింత చవులు సేయించి తానే వట్టించనంత తగగీలు గంటు తోడ అని పట్టి కాచుకున్న దళమేలు మంగ తానే చెనంత తగగీలు గంటు తోడ అని పట్టి కాచుకున్న దళమేలు మంగ కల్ల కల్ల నవ్వుల తోడ కలికి చూపుల తోడ అల్లబల్లములు చేసి అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ సొమ్ములు నించుక పెద్ద పైడి పీట మీద చక్కగా కూర్చుండి పరిచారకులతో పెక్కు సొమ్ములు నించుక పెద్ద పైడి పీట మీద చక్కగా కూర్చుండి పరిచారకులతో ఉక్కు మీర పనులెల్లా ఉడిగేల వారి చేత నక్కరతో చేయించినలమేలు మంగ ఉక్కుమీర పనులెల్లా ఉడిగేల వారి చేత నక్కరతో చేయించినలమేలు మంగ కల్ల కల్ల నవ్వుల తోడ కలికి చూపుల తోడ అల్లబల్లములు చేసి అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ వెంకటపతికి చేసురటి విసురుత వావిరి తన చెలుల వడ్డించమని శ్రీ వెంకటపతికి చేసురటి విసురుత వావిరి తన చెలుల వడ్డించమని దేవుడు తన చేయి వట్టి తీయగా బొత్తన నుండి వివిధాన నారగించినలమేలు మంగ దేవుడు తన చేయి వట్టి తీయగా బొత్తన నుండి వివిధాన
చిన్నల మేలు మంగ కల్ల కల్ల నవ్వుల తోడ కలికి చూపుల తోడ అల్ల బల్ల ములుసే సీనల మేలు మంగ కల్ల కల్ల నవ్వుల తోడ కలికి చూపుల తోడ అల్ల బల్ల ములుసే సీనల మేలు మంగ కలమేలు మంగ అలమేలు మంగ కలమేలు మంగ అలమేలు మంగ